फर्रुखाबाद में अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस व एसओजी ने पकड़ी असलहा फैक्ट्री, तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार। 29 तमंचा समेत एक देसी राइफल आरोपियों से बरामद। 7 अधबने तमंचे समेत अवैध असलहा बनाने के उपकरण भी हुए बरामद। एसपी ने पुलिस लाइन में खुलासा कर दी जानकारी। थाना कंपिल क्षेत्र में हुई गिरफ्तारी। थाना कंपिल पुलिस के साथ मिलकर एक अवैध तमंचा बनाने वाले फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसमें कुल 3 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया है और अन्य जो फरार हुए हैं उनकी तलाश जारी है। जो 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है पवन कुमार पुत्र रोशनलाल, ये कंपिल का रहने वाला है। राकेश पुत्र कालीचरण, ये भी कंपिल का रहने वाला है। प्रमोद शर्मा पुत्र हरिनंदन, ये भी कंपिल का रहने वाला है। तीनों अभियुक्त कंपिल के रहने वाले हैं और एसओजी टीम और कंपिल थाने की पुलिस टीम ने मध्य रात्रि को दबिश देकर ग्राम नगला रैंद मजरा साधनगर में दबिश दी और वहां से इन 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। और इनके कब्जे से भारी मात्रा में असलाह जो आप देख पा रहे हैं और असलाह के बनाने वाले सामान पुलिस ने बरामद किए हैं। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।